हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमर्शियल एप्लीकेशंस क्लास। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपके क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उस बोर्ड एग्जाम में यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट बिगिन विद अ चैप्टर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सो सबसे पहले हम लोग मतलब समझेंगे कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिक्रूटमेंट, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट? सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट, अगर आप पहले हम लोग इसको मीनिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, सो वी हैव गॉट वन एक इंपॉर्टेंट टर्म सर्चिंग, देन आइडेंटिफाइंग, नंबर टू यू गॉट आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, दिस इज द थर्ड टर्म दैट इज कमिंग, prospective employees and encouraging them to apply for, so encouraging is the next, so to apply, encouraging them to apply for jobs in an enterprise. So number one, searching, number two is identifying। अभी हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे इसका मतलब, आप चिंता ना करें। प्रोस्पेक्टिव और वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड पोटेंशियल, एंड नंबर फोर एनकरेजिंग देम। एनकरेजिंग देम, राइट? इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा होल्ड में रखते हैं और आई विल फर्स्ट आपको हम एक एग्जाम्पल देने का कोशिश करेंगे, उसके बाद उस एग्जाम्पल से एग्जाम्पल को समझने के बाद फिर हम लोग इस चैप्टर पे आएंगे, अभी सॉरी इस रिक्रूटमेंट की मीनिंग पे आएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल इन अ स्कूल, एक स्कूल है और एक स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर का जो प्लेस है वो वेकेंट है, वेकेंट है, राइट? सो देर इज अ वेकेंसी फॉर अ मैथ्स टीचर, और यू कैन से देर इज अ, अभी एक स्कूल में एक मैथ्स टीचर, सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ स्कूल माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद दिस वेरी नाइसली, बिकॉज आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे, बिकॉज दैट इज द प्लेस यू हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ द लाइफ एंड यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ योर डे, इसलिए मैंने स्कूल का एग्जाम्पल लिया। तो स्कूल में एक मैथ्स टीचर का जगह खाली है, क्लियर? और अब स्कूल को उस मैथ्स टीचर का एक जो वैकेंसी उसको फिलअप करना है। बच्चों, अब ये जो एक प्रोसेस होगा जहां पे स्कूल एक नया टीचर के लिए वो तलाश शुरू करेगा, खोज शुरू करेगी। जब वो सर्च करेगा तो उस सर्चिंग के दौरान उसे आइडेंटिफाई भी करना है, सो ही नीड्स टू सर्च एंड देन नीड्स टू आइडेंटिफाई। द स्कूल विल स्टार्ट सर्चिंग एंड व्हाइल सर्चिंग दे विल आइडेंटिफाई व्हाट दे आर सर्चिंग, सबसे पहला व्हाट दे आर सर्चिंग एंड व्हाई दे आर सर्चिंग। सो फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाई दे आर सर्चिंग, दे आर सर्चिंग बिकॉज देयर हैज बीन अ वैकेंसी इन द स्कूल, there has been a vacancy in the school for a maths teacher, so that's why in order to fill up that vacancy the school has started searching for whom, searching for a maths teacher, searching for a potential candidate,
searching for a good candidate who will be good enough to be a math teacher in the school. So the school start searching. Why they are searching? So that they can identify the potential candidates. Who are the potential candidates? Who has the ability to teach maths, and at the same time that person is also interested to teach maths. So when I say prospective employee या potential employee का मतलब ये होता है जिसके अंदर में ability है और इच्छा है. So you have the ability to teach maths. A person is having ability to teach maths, but is not interested in teaching maths. He is not interested in teaching only. So in that case, that person does not become your prospective employee. So there has to be two qualities, right? First, that person should has the ability to teach maths. मतलब आपको जिस teacher की तलाश है, जिस subject को पढ़ाने की teacher की तलाश है, उस बंदे के अंदर में वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे वो सब्जेक्ट को पढ़ा पाए. और सेकंड, उसके मन में इच्छा होना चाहिए. तो जब उसके मन में इच्छा और क्वालिफिकेशन, द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अगर है, तो वो बन जाता है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय. सो देयरफॉर आपका काम क्या होगा? ढूंढना. क्यों ढूंढना? क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है. क्या आइडेंटिफाई करना है? पोटेंशियल एम्प्लॉय. और आइडेंटिफाई करके क्या करोगे? आप उसे एनकरेज करोगे. किस लिए एनकरेज करोगे? ताकि वो आकर के आपके स्कूल में एक बायोडेटा या जॉब के लिए, मैथ्स टीचर जॉब के लिए अप्लाई करे. सो जब ये सारे चीज पूरे हो जाते हैं, ये सारा जो एक प्रोसेस है, ये जो सारा प्रक्रिया है बेटा, इसी प्रोसेस को हम लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं. सो बेसिकली रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम लोग सर्च करते हैं. किस लिए सर्च करते हैं? व्हाट आर वी सर्चिंग? व्हाई डू वी आर सर्चिंग? वी आर सर्चिंग बिकॉज वी नीड टू आइडेंटिफाई. हुम डू यू नीड टू आइडेंटिफाई? यू नीड टू आइडेंटिफाई अ पोटेंशियल एम्प्लॉई. एंड व्हाट विल यू डू आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैट पोटेंशियल एम्प्लॉई? यू विल आस्क दैट पर्सन, यू विल इनकरेज दैट पर्सन, दैट पोटेंशियल एम्प्लॉई टू अप्लाई फॉर ए जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो इन टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द स्कूल, एज अ सेड, so searching for a maths teacher, identifying a potential person who can teach maths, and then at the same time encouraging that person to apply for a job in your school, right? So when this process, ye jo pura process hai na beta, isi process ko hum log recruitment bolte hain. Kyunki देखिए, ये स्वाभाविक है. अगर हमको एक मैथ टीचर का जरूरत है तो हम कभी भी एक बंदा को देखेंगे, उसी को इंटरव्यू करेंगे और उसी को ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा. अगर मेरे को एक मैथ टीचर का जरूरत है तो कम से कम हम 10 से 15 जन का इंटरव्यू लेंगे. हम 10 से 15 जन को ऑप्शंस अपने क्रिएट करेंगे और उस 10-15 जन के ऑप्शन में से मैं सबसे बेस्ट जो कैंडिडेट होगा उसे मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट? आज हम लोग जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? क्या आप जाते हो एक बार में एक रैक से एक शर्ट पकड़ते हो या एक टॉप या जींस उठाते हो और घर लेके आ जाते हो? ऐसा होता है क्या? नहीं बच्चों, ऐसा तो होता नहीं है. हम लोग क्या करते हैं, अगर एक जींस खरीदनी है तो मिनिमम मैं 5 से 10 जींस देखता हूँ, तब जाकर के एक सिलेक्शन होती है. उसी तरह जब एक वैकेंसी, एक पोस्ट, एक टीचर का पोस्ट, एक अगर हमको स्कूल में भरना है, एक मैथ टीचर का पोस्ट स्कूल में भरना है, तो हम किसी सिर्फ एक ही को नहीं पकड़ेंगे. हम चाहेंगे कि मेरे पास और भी ऑप्शंस हो. सो मेरे को ऑप्शंस क्रिएट करना है. मेरे को चाहिए कि लोग आ करके हमारे स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करें, बट एट द सेम टाइम कोई भी आकर के जॉब के लिए अप्लाई करे मेरे को नहीं चाहिए. मेरे को वही बंदा चाहिए जो मैथ्स पढ़ा सकता है. एक मैथ्स पढ़ाने के लिए मेरा स्कूल का जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, हमारा स्कूल बोलता है कि क्लास 9-10 में मैथ्स पढ़ाने के लिए वो स्टूडेंट, एक टीचर बैचलर ऑफ साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए, मैथ्स ऑनर्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए. सो ये मेरा मिनिमम क्वालिफिकेशन है. सो मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन से वो कैंडिडेट्स है जो ये क्वालिफिकेशन में फिट करते हैं. सो मेरे को ढूंढना है और प्लस उन लोगों को इनकरेज करना है कि वो लोग आकर के अपने स्कूल में जॉब अप्लाई करें, ताकि स्कूल के पास एक लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट हो, एक लार्ज ऑप्शंस क्रिएट हो, ताकि उस ऑप्शन में से हम अपना बेस्ट कैंडिडेट को चूज कर पाए. सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट. सो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एंड आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द एंटरप्राइज.
नेक्स्ट वी कम टू द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट होता है ये दो तरीका से हो सकता है, दो मेथड्स हमारे पास, एक इनडायरेक्ट मेथड, एक है हमारा इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। राइट, सो एक डायरेक्ट मेथड है और एक हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है। देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, यहां पे हम लोग डायरेक्टली जहां पे हमको ऐसा पोटेंशियल कैंडिडेट्स मिलने का चांसेस है, राइट, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली उस पोटेंशियल कैंडिडेट को रीच करने का कोशिश करते हैं, डायरेक्टली रीच करने का कोशिश करते हैं। मतलब कोई भी मीडिएटर नहीं होगा हमारे बीच में, दैट इज व्हाट वी डायरेक्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और जो कैंडिडेट्स है, पोटेंशियल कैंडिडेट जो है, इनके बीच में किसी भी तरह का दीवार, इनके बीच में किसी भी तरह का मीडिएटर नहीं होगा। ये लोग डायरेक्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। पहला होता है फील्ड रिक्वायरमेंट। फील्ड रिक्वायरमेंट में क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस जाते हैं एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जाते हैं डायरेक्टली, राइट, कॉलेजेस जाते हैं, जिसे हम लोग कैंपस रिक्रूटमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो जरूरत के जो जो चीज है, जो जरूरत है उनको, उनका वो यहाँ पे पूरा होगा। सो इफ ऑर्गेनाइजेशन इज वांटिंग अ मैनेजर, एक एचआर चाहता है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चाहता है, तो वो एक एमबीए कॉलेज में जाएगा जहाँ पे एचआर में स्पेशलाइजेशन पढ़ाई होता है, और वहाँ पे जाके एक थर्ड ईयर, एक फाइनल ईयर स्टूडेंट को क्या करेगा, वो रिक्रूट कर लेगा जो अपने जस्ट अभी कॉलेज से पास करने वाले हैं। सो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन खुद डायरेक्टली जाकर के डिफरेंट एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस को विजिट करते हैं, और वहां से जो कैंडिडेट्स है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है, जिनके अंदर में वो टैलेंट है, वो गुण है, जो वो लोग ढूंढ रहे हैं, उनको वहां से उठाया जाता है। एक होता है वॉक इन इंटरव्यू, ये सिंपल है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपको लगता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपके पास पोटेंशियल आप पोटेंशियल कैंडिडेट है, आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, सो आप सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके वॉक इन करिए। हर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें आप सीधा जा करके इंटरव्यू दे सकते हैं, उनका किसी किसी में एक टाइम स्लॉट्स होता है ना, टाइम स्लॉट्स होता है कि सुबह का 8 से 10 बजे तक हमारा यहाँ पे कोई भी आकर के इंटरव्यू दे सकता है, जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकता है, वॉक इन इंटरव्यू, इसको हम बोलते हैं वॉक इन, सिर्फ अंदर जाओ, वॉक इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओ और इंटरव्यू दो। एक होता है टेली रिक्रूटमेंट, टेली का मतलब होता है बच्चों टेलीफोन। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डेटा बेस होता है, एक डेटा होता है जिनमें उनको पोटेंशियल कैंडिडेट्स के डेटा रहता है, फोन नंबर्स, उनके नाम या इमेज रहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डायरेक्टली उनको कॉल किया जाता है और उनको इनकरेज किया जाता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में आकर के जॉब के लिए अप्लाई करें। फिर होता है पोस्टर्स एंड बिलबोर्ड्स, राइट, पोस्टर्स लगाए जाते हैं डायरेक्टली, ऑर्गेनाइजेशन खुद से पोस्टर्स लगाया जाएगा, पोस्टर लगा देते हैं, राइट, और पोस्टर के माध्यम से बताया जाता है कि हमारे जॉब, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस जॉब की जगह खाली है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आके वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में दोस्तों जैसे नाम से पता चल रहा है इनडायरेक्ट, यहाँ पे क्या होता है, एक मीडिएटर होता है। सो पहला होता है आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़पेपर्स, हम लोग न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में, जर्नल्स में, टीवी में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो इस ऐड को देखने के बाद तब जा करके जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई के लिए आते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल सर्च फर्म्स और प्लेसमेंट एजेंसीज, बहुत सारे फर्म्स होते हैं जिनका काम ही होता है, कि वो कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस एंटरप्राइज से मिलाए। सो ये है एंटरप्राइज, ये एक फर्म है
और ये है पोटेंशियल कैंडिडेट सी। इसको नहीं पता है कि यहाँ पे किस जॉब की वैकेंसी है, राइट, और इसको भी एंटरप्राइज को नहीं पता है कि ये बंदा जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन ये जो बीच में है ना, इसको पता है कि ये बंदा जॉब ढूंढ रहा है, और इसको ये भी पता है इस फॉर्म को कि यहाँ पे ये जगह खाली है, यहाँ पे जॉब की जरूरत है, यहाँ पे जॉब वैकेंसी, यहाँ पे इंसान की जरूरत है, यहाँ पे एम्प्लॉय की जरूरत है। सो देयर इज अ जॉब वैकेंसी, सो ही नोज अबाउट द जॉब वैकेंसी, ही नोज अबाउट दिस पर्सन लुकिंग फॉर द जॉब। सो नाउ ही प्लेज एज अ मीडिएटर, ही प्लेज एज अ मीडिएटर इन ब्रिंगिंग दिस पोटेंशियल कैंडिडेट एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। सो ऐसा बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिनका काम ही होता है प्लेसमेंट देना, मतलब लोगों को नौकरियां लेने में हेल्प करना, राइट। फिर होता है ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस भी आप हेल्प कर सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, राइट, उनको अगर बोला जाए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे कंपनी में हमें नए एम्प्लॉयज चाहिए, तो ये ट्रेड यूनियंस के जरिए ये लोग अपने लोग रिक्रूट करते हैं, सॉरी ये लोग भी लोग रेफर कर सकते हैं, है ना, ये लोग भी लोग ढूंढ करके लेकर आ सकते हैं, और ट्रेड यूनियन के जरिए भी कंपनी में लोगों को जॉब मिल सकता है, रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। ट्रेड यूनियंस आपको पता होगा, हर लेबर यूनियन जिसको हम लोग बोलते हैं, लेबर यूनियन के जरिए मिलता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस भी होता है, जिस तरह से ये प्लेसमेंट एजेंसीज आप देखे थे यहाँ पे, उसी तरह पब्लिक, पब्लिक का मतलब बच्चा होता है यहाँ पे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस खोलकर खोलता है। ये पहले हुआ करता था, अभी उतना ये नहीं है, बट इसमें क्या होता था कि जितने भी जो लोग, जो भी इंडियन यूथ है, जो सिटीजन्स है, वो इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने नाम को रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, और उसके लिए उनको एक कार्ड मिलता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिसे हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड। इस जब वो एक कैंडिडेट अपने आपको इस एक्सचेंज ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसमें वो अपना पूरा क्वालिफिकेशन के साथ रजिस्टर करवाता है, पूरा क्वालिफिकेशन के साथ क्या करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, याद रखिएगा, पूरा क्वालिफिकेशन के साथ। सो अब क्या होता है, सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास ऐसा लाखों लोगों का डेटा है, लाखों लोगों का क्वालिफिकेशन के साथ, कौन किसकी क्या डिग्री, उनका पूरा डेटा इनके पास होता है। अब जो एंटरप्राइज होते हैं, जो कंपनी जो लोगों को ढूंढ रहे हैं, वो कंपनी इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास आते हैं और ये बोलते हैं कि ये कंपनी को, मान लीजिए एक अकाउंटेंट की जरूरत है, ये बोलता है कि हमको एक अकाउंटेंट चाहिए। तो अब ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करता है, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ढूंढता है अपने डेटाबेस में से कि कौन, कितने सारे बंदे हैं जो अकाउंटेंट, एक अकाउंटिंग जॉब के लिए सुटेबल हो, और जितने भी बंदे सुटेबल होते हैं उनको ये लोग कॉल कर देते हैं कि फलाना कंपनी से आपका कॉल आया है, आप जाकर के वहां पे अकाउंटिंग पोस्ट का एक जगह खाली है, आप वहां पे जाकर के एक इंटरव्यू देकर आइए। सो ये बच्चों होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम, और इसके जरिए भी कंपनी रिक्रूटमेंट करती है ना। ये था, इससे पहले जो हम लोगों ने किया वो था मेथड्स, अब हम लोग देखेंगे इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। व्हाट इज सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सो सोर्सेस का मतलब क्या होता है, ये तो अभी हम लोग देखे थे मेथड, अब हम लोग देखेंगे सोर्सेस कि बंदे जो हैं वो बंदे आएंगे कहां से। सो देखिए, सो दो सोर्सेस होता है, एक इंटरनल सोर्सेस होता है और एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेस। बच्चों नाम से पता चल रहा है, इंटरनल सोर्सेस का मतलब क्या हुआ, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्सेस का मतलब क्या हुआ बच्चों, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपका जो फर्म है, आपकी जो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसी में ढूंढो। जैसे मैंने सुबह में थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको एक एग्जाम्पल दिया कि एक स्कूल की टीचर को जरूरत है, एक मैथ्स टीचर की जरूरत है, राइट, मैंने आपको ये कहा। तो अब देखिए, ये मैथ्स टीचर स्कूल के पास दो तरीका लाने का, पहला तो स्कूल क्या कर सकता है, अपने ही स्कूल के अंदर ऐसा कैंडिडेट को खोजे कि जो मैथ्स पढ़ा सकता है, मतलब इसको बोलते इंटरनल, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज है उन्हीं एम्प्लॉयज में से ढूंढ कर निकालना, राइट,
और उसी में से किसी को मैथ्स पढ़ाने दे देना। सो आपने बाहर से किसी तरह का सहायता नहीं लिया, आपको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से नए बंदे को लाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सटर्नल में क्या होता है, जब आप बाहर जाते और बाहर से नए बंदे लेकर आते हो, ये एक्सटर्नल हो गया। बेसिकली यही डिफरेंस है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसलिए आप एक्सटर्नल सोर्स में देखोगे एडवर्टाइजमेंट, बाहर आप ऐड कर रहे हो, इसका मतलब लोग बाहर के लोग देख रहे हैं, वो लोग आएंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, प्लेसमेंट एजेंसी में मैंने आपको बताया, सब ये सब एक्सटर्नल सोर्स है, इनके जरिए सब लोग बाहर से आएंगे। बाहर से आएंगे मतलब बाहर मतलब कोई फॉरेन कंट्री या शहर के बाहर नहीं बच्चों, जो एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ये नए होंगे, ये नए एम्प्लॉयज होंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी मैंने आपको बताया शुरू में, जो डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट था, आप डायरेक्टली एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन जा सकते हैं, जो मैंने फील्ड रिक्वायरमेंट में आपको बताया था। गेट हायरिंग अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेशंस, क्या होता है ना अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, मतलब बताते हैं आपको बहुत सारे कभी कभी कंपनीज के पास ना बहुत सारे एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशंस पड़े रहते हैं, बहुत लोग आते हैं जॉब अप्लाई करके चले जाते हैं। सो स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूल में बहुत टीचर्स है, एक स्कूल में बहुत लोग चाहते हैं कि मैं इस फलाना स्कूल में नौकरी करूं, तो क्या करते हैं बहुत सारे टीचर्स लोग जो उस स्कूल में काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग आकर के जो एक एप्लीकेशन दे करके रखते हैं कि कभी अगर उस स्कूल में जगह खाली हुआ, कभी उस स्कूल में कभी जगह खाली हुआ, किसी टीचर का पोस्ट खाली हुआ, तो आप हमें याद करिएगा, ये मेरा जॉब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन देकर रखें। इस तरह का बहुत सारा एप्लीकेशन स्कूल के पास रहता है। तो जब मान लीजिए स्कूल को अगर जरूरत पड़ा एक मैथ्स टीचर का, तो स्कूल क्या करता है अपने फाइल्स में रिकॉर्ड्स में जाता है और देखता है कि कितने सारे पिछले 6 महीनों में 4 महीनों में कितने सारे एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन आए हैं, और उनमें से उन जॉब एप्लीकेशन में से स्कूल ये देखता है कि इनमें से ऐसा कितना एप्लीकेशन है जिसका क्वालिफिकेशन या जो एक मैथ्स पढ़ाने के लिए मैथ्स टीचर का क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। सो मान लीजिए स्कूल देखता है कि मेरे पास 20 एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 एप्लीकेशन जो है इनका ऐसा क्वालिफिकेशन है जो सपोर्ट करता है एक टीचर को मैथ्स पढ़ाने के लिए, उसका क्वालिफिकेशन परफेक्ट है, सो उसको मैथ्स पढ़ाना स्कूल में दिया जाए। अब क्या होता है, स्कूल क्या करता है, इन 5 टीचर को वो कॉल कर लेता है और उनको बोलता है कि आप लोग डेमो देने आइए या इंटरव्यू के लिए आइए। सो ये क्या हुआ, ये उन एप्लीकेशंस में से है जो एप्लीकेशंस पहले स्कूल के पास आया हुआ था, लेकिन कभी स्कूल इसको जरूरत नहीं समझा, स्कूल इसको इनको कभी नौकरी दी नहीं, लेकिन आज जब जरूरत पड़ा तो उन्हीं एप्लीकेशंस में से उन्हीं एप्लीकेंट में से हम लोग उसको ढूंढकर निकाल सकते हैं। रिकमेंडेशंस क्या होता है, सिफारिश, ये भी एक तरीका होता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, जब आप किसी का सिफारिश, आप किसी को बोल सकते हैं कि भाई मेरे को एक मैथ्स टीचर चाहिए, तो आपने जिसको बोला फिर वो एक बंदा को आपके पास रेफर करेगा, रिकमेंड करेगा। सो ये रिकमेंडेशंस होता है। सो ये सारे आप देख रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, मतलब इन सबके जरिए क्या होता है कि लोग सब बाहर से आएंगे, और वहीं अगर हम लोग आ जाए यहाँ पे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में देखिए, पहला होता है ट्रांसफर, प्रमोशंस, डिमोशंस, एक्स एम्प्लॉयज। मैंने आपको पहले ही कहा इंटरनल सोर्स ऑफ, इंटरनल का मतलब होता है अंदर, भीतर से, किसके भीतर से, किसके अंदर से, ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने ही विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ढूंढेगा एक जगह को खाली करने के लिए। सो से फॉर एग्जाम्पल एक मैथ्स टीचर का जगह खाली हुआ आपके स्कूल में, तो आपका स्कूल क्या करता है अपने किसी दूसरे ब्रांच से आपके स्कूल में एक टीचर को ट्रांसफर करवाता है और उसे एक मैथ्स टीचर को ट्रांसफर कराता है। कभी कभी आपका भी ट्रांसफर, कभी कभी एम्प्लॉयज का ट्रांसफर हो सकता है, दूसरे स्कूल में जरूरत है तो इस आपके स्कूल से टीचर को ट्रांसफर कर दिया गया। सो चलिए अब थोड़ा सा स्कूल के हम लोग एग्जाम्पल से हट करके एक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल में आते हैं। सो बेचारा देखो बच्चों, ट्रांसफर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर मतलब होता है एक जगह से दूसरा जगह जाना, एक पोस्ट से दूसरा जगह, दूसरा पोस्ट जाना। से फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दुर्गापुर ब्रांच में ब्रांच मैनेजर रिटायर कर गया। सो अब वहां पे एक ब्रांच मैनेजर की जरूरत है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा,
आसनसोल के जो ब्रांच मैनेजर है उसे बोलेगा आप दुर्गापुर ब्रांच मैनेजर, आप दुर्गापुर चले जाइए एज अ ब्रांच मैनेजर बनके। सो दुर्गापुर में जो जगह खाली हुई उस जगह को भर दिया गया ट्रांसफर के जरिए। कहां से ट्रांसफर हुआ? आसनसोल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक नया ब्रांच मैनेजर, सॉरी आसनसोल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ब्रांच मैनेजर था उसे ट्रांसफर करके यहां पे ला दिया गया। उसी तरह प्रमोशंस भी होता है। देखो एक चीज याद रखना, जब ट्रांसफर भी होता है ना तो ट्रांसफर जनरली प्रमोशन के साथ होता है। आप जब किसी को ट्रांसफर करते हो तब उसको प्रमोट करके ट्रांसफर करते हो ताकि उसे भी मोटिवेट हो एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए। अच्छा प्रमोशंस भी होते हैं। प्रमोशन जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपका आसन, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आसनसोल का एसबीआई का ब्रांच मैनेजर जो है वो रिटायर कर रहा है। तो जब रिटायर किया तो जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर थे उसे बना दिया गया आप ब्रांच मैनेजर। सो असिस्टेंट बीएम को बना दिया गया बीएम। सो ये क्या हुआ, प्रमोशन हुआ ना। सो आसनसोल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में जब ब्रांच मैनेजर की जगह खाली हुई तो उसी ब्रांच का स्टेट जो असिस्टेंट मैनेजर था उसे बना दिया गया ब्रांच मैनेजर, उसे असिस्टेंट मैनेजर को बना दिया गया मैनेजर। सो क्या हुआ, असिस्टेंट मैनेजर को हुआ बेटा प्रमोशन, और प्रमोशन के साथ क्या हुआ, हमारा रिक्रूटमेंट भी हो गया, जो जगह जो खाली हुई वो जगह भर गया। डिमोशंस भी होता है, जिस तरह से प्रमोशन आप ऊपर जाते हो तो डिमोशन में आप ऑर्गेनाइजेशन में नीचे भी आते हो। आपने गलती की, आपसे कुछ गलती हुई, कंपनी आपको सजा दे सकती है और आपको डिमोट कर सकती है। एक्स एम्प्लॉयज कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स एम्प्लॉयज को आप बुला सकते हैं, जो एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा हम लोग कई स्कूल्स में भी देखे हैं, जब स्कूल को एक टीचर की जरूरत पड़ता है और स्कूल अगर टीचर नहीं ढूंढ पा रहा है तो स्कूल क्या करते हैं, अपने एक्स एम्प्लॉयज जो एक्स टीचर्स थे जो रिटायर कर गए हैं स्कूल से उनको बुलाते हैं और उनको बुला करके बोलते हैं आप 4 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल के लिए आप पढ़ा दीजिए। सो एक्स एम्प्लॉय को भी बुला करके काम कराया जा सकता है। सो एक्स एम्प्लॉय भी आपका कभी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा है और वो ऑर्गेनाइजेशन का ही एक हिस्सा माना जाता है, इसलिए उसे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ही माना जाएगा। अब हम लोग आते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स में। अगर हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसका मेरिट्स क्या है, देखिए सबसे पहले उसका मेरिट्स है मोरल। क्या होता है, एम्प्लॉय का मॉरल बूस्ट होता है। जब आप एक एम्प्लॉय को प्रमोशन देते हो ना, आप जब उसको प्रमोट करते हो या प्रमोट करके ट्रांसफर करते हो तो उसका एक मॉरल हाई होता है, वो और मेहनत करता है। बाकी सारे एम्प्लॉयज के लिए एक एग्जांपल होता है, वो जब वो देखता है कि उसी में उनका में से एक कलीग को प्रमोशन मिला, उनके कलीग में से एक जन को प्रमोशन मिला, ट्रांसफर मिला, तो ये बाकियों का जो इम्प्लॉयज होते हैं ना, बाकी इम्प्लॉयज का जो मोरल होता है वो बहुत उनका हाई कर देता है, उनका कॉन्फिडेंस हाई करता है और उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करता है। सो देयरफॉर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से इम्प्लॉयज का मोरल हाई होता है। इकोनॉमिकल है, ऑब्वियसली सस्ता है, आपको एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको न्यूज़पेपर में ऐड करो है ना, पोस्टर छपाओ, लोगों को बोलो, इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए पैसा भी खर्चा होता है। कभी कभी आप बड़े बड़े होटल्स बुक करते हो, 5-स्टार होटल बुक करते हो इंटरव्यू, जैसे आप जाते हो कैंपस रिक्रूटमेंट में, जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाते हो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपने तो एम्प्लॉय को रिक्रूट तो कर लिया, रिक्रूट कर लिया मतलब आपने उनको इनकरेज कर दिया वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उनका आप एक कुछ टेस्ट भी कंडक्ट कर दिया उनके कॉलेज में। अब जब इंटरव्यूज के बारे में बात आती है तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी 5-स्टार होटल्स में इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो उन सबका एक्सपेंसेस होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। इंटरनल में ऐसा कुछ खर्चा नहीं है इसलिए वो इकोनॉमिकल। फैमिलियरिटी क्या होता है कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जब आप अपने ही किसी अंदर के बंदे को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को प्रमोट करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को ही आप आगे लेकर जाते हो, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको उसे किसी भी चीज को सिखाने की जरूरत नहीं, उसे कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे सब कुछ पता है, ही इज ऑलरेडी फैमिलियर विद द रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एक्सपीरियंस स्टाफ, यस नए बंदे लेने से अच्छा होता है कि आपके पास जो ऑलरेडी आपका जो एम्प्लॉय है, जो इतने सालों से जो आपके पास काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया जाए और उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाया जाए। सो ये आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करोगे तो आपको जो स्टाफ मिलेगा वो एक्सपीरियंस मिलेगा और इजी मिलेगा, आराम से मिलेगा, आपको कहीं से बाहर जाने की जरूरत नहीं है,
और आप उसकी इवैल्यूएशन भी, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन जिसको बोलते हैं, उनका परफॉर्मेंस का मेजरमेंट, वो किस तरह से काम कर रहा है, वो भी आपको इवैल्यूएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो ये सब दोस्तों कुछ फ्रेंड्स हमारे मेरिट्स है ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। डीमेरिट में होगा सबसे पहले लिमिटेड चॉइस। हाँ जी, चॉइस तो हमारा लिमिटेड हो जाता है क्योंकि हमें उसी में से सेलेक्ट करना है जो हमारे पास अवेलेबल है, राइट। सो जो एम्प्लॉयज हमारे पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस ऑलरेडी है, उसी में से हमको सेलेक्ट करना है, हमें अपना ऑप्शंस बढ़ा नहीं सकता हूं। सो मेरा चॉइस क्या हो जाता है, लिमिटेड। इन ब्रीदिंग नाउ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन ब्रीदिंग नाउ, व्हेन यू आर नॉट टेकिंग एनीबॉडी फ्रॉम आउटसाइड, सो व्हाट इज हैपनिंग, फ्रेश ब्लड इज नॉट कमिंग। व्हेन आई से फ्रेश ब्लड, आई से फ्रेश आइडियाज, फ्रेश व्यूज, फ्रेश थॉट्स। जब एक नया बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना, तो एक वो एक एनर्जी के साथ आता है, एक ऊर्जा के साथ आता है, एक अलग आइडिया के साथ आता है, एक थॉट्स के साथ आता है, उसका एक अलग सोच होती है। सो ये इंटरनल सोर्स में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप तो अपने ही पुराने बंदे से काम चला रहे हैं। सो इसीलिए इन ब्रीडिंग ऑफ व्हाट, इन ब्रीडिंग ऑफ फ्रेश आइडियाज, इन ब्रीडिंग ऑफ थॉट्स, इन ब्रीडिंग ऑफ व्यूज, ऑल दिस थिंग्स। इनएफिशिएंसी ये भी देखा जाता है, इनएफिशिएंसी भी होते हैं। क्या होता है कि कभी कभी जगह भरने के लिए आप किसी भी इनकेपेबल इंसान को उस जगह में डाल देते हो, भले ही वो मैनेजर के लाइक नहीं था, भले ही वो आप बोल सकते हो वो मैनेजर बनने का उसका कोई अंदर में क्वालिटी नहीं था, लेकिन आपने उसको मैनेजर बना दिया। क्यों बना दिया? आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मैनेजर इसलिए बना दिया क्योंकि जगह खाली हुआ है, हम अभी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना नहीं चाह रहे हैं, तो टाइमिंग के लिए क्या करेंगे, चलिए मेरा तो ये असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर था, भले हम जानते हैं कि असिस्टेंट होने का ही लाख है, ही इज ओनली केपेबल ऑफ बिकमिंग असिस्टेंट मैनेजर। आई नो वंस आई पुट हिम इन द, आई वंस आई मेक हिम अ ब्रांच मैनेजर, ही विल नॉट बी एबल टू हैंडल द वर्क ऑफ अ ब्रांच मैनेजर, बट स्टिल व्हाट आई डू, वर्स व्हाट आई डू, आई मेक हिम अ ब्रांच मैनेजर। सो ही वॉज इनकॉम्पिटेंट एंड इज इनएफिशियंट, बट इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट वेकेंट प्लेस आई हैव मेड हिम द ब्रांच मैनेजर। सो क्या हो जाता है, इनएफिशिएंसी हो जाती है। इनकम्प्लीट सोर्स, देखिए इनकम्प्लीट सोर्स इसलिए बोल रहा ना, ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक टेम्पररी सोल्यूशन है बच्चों, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। क्यों हम बोलता रहे, देखिए मान लीजिए आज आसनसोल स्टेट बैंक, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, आसनसोल स्टेट बैंक का ब्रांच मैनेजर को आप दुर्गापुर भेजते हो, ठीक है। सो दुर्गापुर में तो इंसान आ गया, लेकिन आपका अब आसनसोल में तो जगह क्या हो गया, खाली हो गया ना। सो आसनसोल में तो जगह क्या हो गया, खाली हो गया ना, वेकेंट हो गया। सो अल्टीमेटली आपको फिर इसको भरना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो होता है ना बच्चों, याद रखिएगा ये टेम्पररी सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन इनकम्प्लीट है। सो कहीं ना कहीं आपको तो लाना पड़ेगा, आपको बाहर से तो लोग लाने पड़ेंगे, आप प्रमोशन में दोगे। सो अगर ये बंदा यहां से यहां जाता है तो ये जो जगह खाली हो जाता है, सो ये जगह तो भर गया लेकिन फिर ये जगह तो खाली हो गया, इसलिए बोला जाता है इसे इनकम्प्लीट सोर्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस में। अब हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेस का मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। सो एक्सटर्नल सोर्सेस का अगर मेरिट्स देखोगे, वाइट चॉइस, यस, सबसे पहले आपका चॉइस, आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं क्योंकि अब आपके पास चॉइस है, आपके पास ऑप्शंस है उसमें से अपना बेस्ट चूज करने का। फ्रेश आउटलुक, यस, एक जब नया इंसान आता है तो एक नया सोच के साथ आता है, उसका एक नया आउटलुक होता है, उसका एक अपना नया व्यू होता है ना, और वो एक नए सोच के साथ आता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्रेश थॉट, फ्रेश व्यूज लेकर आता है और एक फ्रेश आउटलुक रहेगा। यही चीज इंटरनल में क्या होता था, वो तो सेम बंदा, सेम थॉट प्रोसेस, उसी को आप लेकर चल रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बाहर से हमेशा ना ऑर्गेनाइजेशन में यू शुड ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इन द फ्रेश टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड। नए टैलेंट आने से, नए ऊर्जा आने से, नया सोच आने से आपका ऑर्गेनाइजेशन का भी तरक्की होगा। कंप्लीट सोर्स, एज आई सेड, एक्सटर्नल सोर्स इज कंप्लीट सोर्स, इंटरनल सोर्स वाज एन इनकंप्लीट सोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे जगह खाली होता था, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में पूरा का पूरा कंप्लीट है। जो भी जॉब्स के लिए जो जगह होते हैं, जो वैकेंसी होती है, वो वैकेंसी को भरा जाता है और उसे भरने के लिए आप किसी और
एम्प्लॉय का सहारा नहीं लेते हो जो आपका ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में है, राइट। सो आप इस बंदे को उठाकर यहां नहीं लाते हो, अपने ही बंदे को उठा करके नया जगह में नहीं लाओ, ऐसा करने से ये खाली हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, ये बंदा अपना जगह में है, ये जगह को भरने के लिए हम बाहर से एक एम्प्लॉय को लेकर आएंगे। सो दिस बिकम्स अ कंप्लीट सोर्स। डीमेरिट्स क्या है? डीमोरलाइजेशन। यस, डीमोरलाइजेशन क्या होता है कि लोग थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाते हैं, लोगों का काम करने का जो काम करने के लिए जो मोटिवेशन है वो तो खड़े जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका स्कूल में एक प्रिंसिपल का जगह खाली हुआ और सारे टीचर्स ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम में से कोई प्रिंसिपल बनेगा, और आपका स्कूल कहीं बाहर से एक प्रिंसिपल लेकर आ जाता है, एक नया प्रिंसिपल रिक्रूट कर लेता है, क्या होता है, जो बाकी के जो टीचर्स है वो क्या हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं। आपके कोऑर्डिनेटर क्या हो जाएगा, डीमोरलाइज हो जाएगा, बोलेगा मेहनत किया हम लोग, इतने सारे हम लोग ने मेहनत किए, अपने जी जान से काम किया, और आज जब पारी आई हमारा प्रिंसिपल बनने का, जब प्रमोशन का दिन आया तो ये कंपनी, सॉरी ये हमारा स्कूल बाहर से एक प्रिंसिपल लेकर आया। सो डीमोरलाइज हो सकते हैं। एक्सपेंसिव, जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, स्पेशली जब आप फील्ड पे जाते हो, जब आपके लोग जाते हैं फील्ड पे तो उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, उनका रहने का खाने का खर्चा होता है, जैसे मैंने कहा कि आपको होटल्स बुक करने पड़ते हैं, और होटल्स बुक करने के लिए आपको पैसा भी खर्चा करना पड़ता है, राइट। सो ये सब होता है डीमोरलाइजेशन, ये सब होता है। मैल एडजस्टमेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, मैल प्रैक्टिसेस भी होते हैं, है ना। कहीं कहीं देखा गया है कि ब्राइब के जरिए जो इनकॉम्पिटेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको नौकरियां मिल जाती है, उनको चांसेस मिल जाते हैं। तो ये सब सारे कुछ डीमेरिट्स है, है ना, जो एक्सटर्नल सोर्स का। देखिए, हर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, सबका अपना अपना दो पहलू है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। आपको लेकर के चलना है कि आप जिस जॉब के लिए आप लोग ढूंढ रहे उसका बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या होगा। आप क्या इंटरनली करना चाहते हो कि एक्सटर्नली करना चाहते हो, वो आपको ढूंढना है से, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रिक्रूटमेंट पोर्शन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद सिलेक्शन। आज हम लोग सिर्फ रिक्रूटमेंट तक करेंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन आप लोग आज जो भी हमने पढ़ाया उसे रिवाइज करिए और वेट करिए। थैंक यू सो मच।